अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूँ आपका दोस्त आसिफ चौधरी। और सही भाई, कैसे हैं? सब बढ़िया जी दोस्तों। तो आज की जो हम डिलीवरी करवा रहे हैं दोस्तों, ये बिजनौर की होगी और दीपक भाई की होगी, ठीक है? इसमें हमने दीपक भाई को 8 पट्ठे दिए हैं दोस्तों, 8-10 पट्ठे दिए हैं। मतलब उन्हों को 2 बड़ी कबूतरी दी थी और 8 हमने उन्हों को उड़ाने के लिए पट्ठे दिए थे, ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो को आप पूरे देखें, ध्यान से देखें। इस वीडियो में आपको अभी देखने के लिए वो पट्ठे मिलेंगे। तो जो भाई अभी पट्ठों के लिए मेरे पास फ़ोन कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में इतने पट्ठे हैं नहीं मेरे पास में। देखो, मेरी खुद बाजियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई होती हैं, टूर्नामेंट हम छोड़ने होते हैं कबूतर, तो अभी पट्ठे नहीं हैं मेरे पास में। आप मेरा जो मेन काम है दोस्तों, वो बच्चे सेल करने का है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझको प्यार देते हैं, या मुझको बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानते हैं, जो इतनी कॉल करते हैं आप मेरे पास में पट्ठों के लिए, कबूतरों के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों? तो मेरा मेन काम दोस्तों बच्चों सेल करने का है। ज़्यादा बड़े पट्ठे मैं सेल नहीं करता, क्योंकि मैं खुद अपने लिए ही कम पट्ठे बचाता हूँ। तो उसमें से आप लोगों को आधे दे देता हूँ, आधे अपने लिए बचाता हूँ। जो मैंने अब अपने लिए बचाए हैं, उनको मैं जून जुलाई के बाद आपको मैं दे दूंगा, अपनी बाजियाँ ख़त्म होने के बाद में। जिस भाई को जोड़ों के हिसाब से चाहिए होते हैं, उसके हिसाब से उनको वो मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो अब कोई भी भाई बड़े पट्ठों के लिए फ़ोन ना करें, आप बच्चों के लिए फ़ोन करें और अपने बच्चों की हमारे पास बुकिंग कराएँ, ठीक है दोस्तों? और एक बात ये, जिस भाई ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझको ज़रूर फॉलो कर लें। इधर देखिए, मेरा इंस्टाग्राम का पेज आ रहा होगा। इंस्टाग्राम पर दोस्तों मेरी हर बाजी टूर्नामेंट की अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी, और भी बहुत अच्छी चीज़ें, पंजाबी मतलब भाई बच्चे जोड़े जिस तरह के मैं डालता हूँ, तो बहुत एक अलग सा इंटरेस्टिंग मनोरंजन सा आपका होएगा। तो जाके फॉलो करें दोस्तों इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है? बाकी आप ये वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। ये जी पहला पट्ठा सफ़ेद 8 में, ठीक है। ये पर हैं जी पट्ठे के, ठीक है जी। एक पट्ठा ही हो गया, और आपका इसका रिंग नंबर है जी 323, ठीक है दोस्तों? अभी नए पर ला रहे हैं, 323 रिंग नंबर है पट्ठे का, पर देख लीजिए आप। अब आपको हम इस दूसरा दिखाते हैं। ये तीसरा पट्ठा चेक करिए दोस्तों, इनों की सबकी तैयारी चल रही थी, और खुराकें इनों की सबकी चालू हैं, इनों का मुंह भी सन रहा, देख रहे हैं, ठीक है जी। तो पर हैं ये भी पानी में नहा लिए हैं, जैसे पानी रखा था पीने के लिए, तो ये नहा लिए थे उसमें, ये ठीक है जी। तीसरा पट्ठा है ये, सफ़ेद आँख भी है। और इसके बाद अभी इसके परों का सोख कर लीजिए पहले आप थोड़ा सा, इसकी मैन सेटी आ रही है आगे के भी, ठीक है दोस्तों? अब आपको चौथे नंबर का पट्ठा दिखाते हैं। ये पट्ठी है जी चौथे नंबर की, ये मादिन है, ठीक है, ये मादिन है। और चेक करिए आप मादिन के कुंदे वगैरह। ये पट्टी उड़ान पे आ चुकी है, तकरीबन 4-5 घंटे ये पट्टी हमारी चल रही है, ठीक है ना? ये पर है बहुत शानदार लाल चीनी पट्टी है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं एक और पट्टा। ये जी एक पट्टा, ये नर पट्टा है जी, ठीक है। इसके यहाँ वो क्लोजअप देखिए आप थोड़ा सा, ये पर हैं जी पट्ठे के, ठीक है। और आपको एक और पट्टा दिखाते हैं। ओहो, रिंग नंबर तो बताना भूल गया मैं आपको, नंबर जी 458। ये दोस्तों एक पट्ठा और चेक करिए आप, और उसकी आँख का जो तारा है ना, ये वैसा है, थोड़ा टेढ़ा टाइप का होता है ना ऊपर को, टेढ़ा तारा है इसकी आँख का,
अभी मैं आपको धूप में करके दिखाऊंगा ना, बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा अभी। आपको जो तारा है वो थोड़ा चौड़ा चौड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि ये छाई में है, ठीक है ना। इनके माँ बाप दोस्तों, इसका जो बच्चे का बाप है, दूसरे दिन टूर्नामेंट जीता था, दूसरे दिन, ठीक है ना। और ये पट्टे खुद भी, मतलब पिछले साल हमारे 8-9 घंटे हमने इनको उड़ा के रोक दिया था जब ये बच्चे थे, 2-3 दिन कली के, ठीक है ना। उस टाइम हमने इनको उड़ा कर रोक दिया था। इधर की आँख देखिए इसके, आप ये बिल्कुल टेढ़ी नज़र आएगी आपको, देखो, ठीक है, आप समझ जाएंगे किस तरह की बोल रहा हूँ मैं। और आपका रिंग नंबर है जी इस बच्चे का 513, ठीक है जी। अब आपको एक और दिखाते हैं, एक पट्टा ये है जी दोस्तों, ठीक है, पीली आंखों में, अभी इसके ऊपर सेंटी आ रही है अभी, ठीक है दोस्तों। ये जितने भी पट्टे मैं दे रहा हूँ ना, सबके माँ बाप बाजी टूर्नामेंटों में बड़े हुए जी। 562 इस बच्चे का रिंग नंबर है, 562। और ये खुद भी बच्चे मैंने 8-9 घंटे मतलब उड़ा के रोक दिए थे, ठीक है। अब आपको एक और दिखाते हैं जी, एक पट्टा ये है जी, ठीक है। इसके बहन भाई मेरी काफ़ी बाजियों में उड़े हुए हैं जी, और इस पट्टे की खुद भी उड़ान 8-9 घंटे की है। ये घर के घर उड़ने वाला पट्टा है जी, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। देख के आप समझ भी रहे हो कौन सी ब्रेड लाइन है, इनके बहन भाई लाल भी निकलते हैं, लाल चीने, ये भी अभी 10वीं कली बस पूरी होने पे है इसकी भी, ठीक है। और आपका रिंग नंबर है जी इसका 485, ठीक है जी। ये दोस्तों लास्ट पट्टा है 10वें नंबर का, और ये इसका क्लोजअप करिए, ये घर के घर उड़ने वाला पट्टा है जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है दोस्तों। पट्टे दिखाने आपको ज़रूरी होते हैं, हम किस तरह के पट्टे लोगों को सेल करते हैं अपने घर के। ये पने जी काफ़ी अच्छे कुंदे हैं, और आपका रिंग नंबर है जी 345, ठीक है दोस्तों। तो ये लास्ट पट्टा है दोस्तों, कमेंट कर दें आपको पट्टे सारे हमारे कैसे लगे।